हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलेक्टर ऑफिस की जन सुनवाई के ऊपर बताने वाला हूँ। मतलब जो DM कार्यालय होते हैं, जो जिला दंडाधिकारी होते हैं, वहाँ पर जो जन सुनवाई होती है, तो उसमें हम किस तरह से शिकायत कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जिस तरह से आप CM हेल्पलाइन पर शिकायत करते हैं एक टोल फ्री नंबर से, और बहुत सी बार उसमें बड़े बड़े काम हो जाते हैं, पर ज़्यादातर काम उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्लेंट जो शिकायतें होती हैं उन्हें बिना आपसे कंसेंट किए ही बंद कर दिया जाता है, जो कि उन्हीं के रूल के खिलाफ होता है। पर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और आपकी शिकायत बंद कर दी जाती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ। आप जो कलेक्टर ऑफिस होता है, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश के अंदर जिले होते हैं और उन जिले का कलेक्टर होता है, और कलेक्टर एक बहुत ही बड़ा पद होता है, क्योंकि जो जिले का कलेक्टर होता है वो एक तरह से पूरे जिले का राजा होता है। क्योंकि देखिए, विधायक, सांसद, ये एक अलग अलग, इनका भी क्षेत्र उनसे बड़ा होता है, लेकिन एक कलेक्टर हमेशा वहाँ पर एक राजा होता है। क्योंकि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं या विधानसभा चुनाव होते हैं, और जब आचार संहिता लगती है, तो वहाँ पर एक विधायक और एक सांसद का जो पद होता है वो शून्य हो जाता है उस आचार संहिता में। लेकिन एक कलेक्टर उस समय और भी ज़्यादा पावर में होता है, क्योंकि सभी चीज़ें उसके हाथ में आ जाती हैं। तो जैसा आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा कि जब कोई कुछ अपनी मर्जी से करता है, कुछ भी करता है, तो हम उसे बोलते हैं कि क्या तू कहीं का कलेक्टर है। तो ये वाकई में जो ये कहावत है, ये बहुत बड़ी कहावत है, क्योंकि कलेक्टर का जो पद होता है वाकई में बहुत बड़ा पद होता है। क्योंकि जब आचार संहिता लगती है या इस तरह का कोई भी जब कानून लागू होता है, तो कलेक्टर उस समय भी होता है अपने फुल पावर में होता है, बल्कि और ज़्यादा पावर में होता है। तो आप एक कलेक्टर के पद को कभी भी छोटा ना समझें, यह बहुत ही बड़ा पद होता है, और यह हमेशा, जब तक कलेक्टर उस पद पर होते हैं तब तक वो हमेशा पावर में रहते हैं, और उनके पास उस जिले से संबंधित सभी अधिकारियों का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है, उनके पास पूरा कंट्रोल होता है, पुलिस का भी और सरकार के जितने विभाग हैं, उन सभी विभागों के जितने भी अधिकारी होते हैं, बड़े उच्च स्तरीय, जिला स्तरीय, उन सभी के पावर्स उनके पास होते हैं। और कलेक्टर ऑफिस में हमेशा ट्यूसडे को, हर मंगलवार को जन सुनवाइयाँ होती हैं। जैसे कि मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ, यहाँ पर जो हमारा कलेक्टर कार्यालय है वहाँ की जन सुनवाई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से उसे हैंडल किया जाता है। अगर आपको एक सरकारी, मतलब किसी भी सरकार से संबंधित विभाग से, कोई भी कर्मचारी से आपको कोई समस्या है, किसी अधिकारी से समस्या है, चाहे वो विद्युत मंडल हो, नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या शिक्षा विभाग हो, किसी भी सरकार के विभाग से संबंधित हो, आप उसकी शिकायत डायरेक्ट कलेक्टर से कर सकते हैं, जन सुनवाई में कर सकते हैं। और इसके ऊपर कलेक्टर हर विभाग से संबंधित अधिकारियों को नियुक्त करते हैं इस तरह की समस्याओं को देखने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, मैं इंदौर से हूँ, यहाँ पर हमारे कलेक्टर ऑफिस की मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर जन सुनवाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर समाधान किए जाते हैं, और बहुत भीड़ होने के बाद भी उन्हें बहुत अच्छे से यहाँ पर बिना परेशानी के देखा जाता है, उनकी समस्या को सुना जाता है, और उसके ऊपर काम भी किया जाता है। और जन सुनवाई में आप एक सादे से पेपर के ऊपर, बिल्कुल एक सिंपल पेपर के ऊपर, एप्लीकेशन लिख के, या कहीं भी कंप्यूटर शॉप से, साइबर से जाकर के लिखवा करके वहाँ पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। उसका एक टाइमिंग होता है, सुबह लगभग 10-11 बजे चालू हो जाती हैं, और लगभग शायद 2 बजे तक या 5 बजे तक चालू रहती हैं। मैं तो मोस्टली वहाँ पर मॉर्निंग में गया हूँ, और मैंने जितने भी लोगों को वहाँ पर पहुँचाया है थोड़ा सा बता करके, तो वहाँ पर बिल्कुल उन लोगों का समाधान हुआ है, और बहुत अच्छे से हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत से बार आप, जैसे आप कोई गरीब घर से हैं, या कोई मतलब गरीब होता है, उसके पास इलाज के लिए, मतलब उसको किसी तरह से कोई बीमारी, कोई समस्या है, पैसे नहीं होते हैं, तो कलेक्टर के पास अपने पास से उसको 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये या 25,000 रुपये, मतलब वो ज़रूरत के हिसाब से वो फंड जो है उनके लिए बिल्कुल दे सकते हैं, और तुरंत। क्योंकि देखिए, CM के पास पहुँचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक जिले का कलेक्टर बहुत ही जल्दी, इसके लिए शायद एक कुछ रेड क्रॉस करके कम्युनिटी होती है जो कि कलेक्टर के अधीन होती है, कलेक्टर उस चीज़ को जो है मतलब मैनेज करते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो वहाँ पर गए हैं, कुछ गरीब लोग जिसे उन्हें इलाज के लिए ज़रूरत थी, वो वहाँ पर गए हैं, और कलेक्टर की जो रेड क्रॉस, जो मैंने बताया कि कम्युनिटी कुछ होती है, तो वहाँ से उन्हें फ़ंड दिया गया, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 25,000 तक वहाँ पर फ़ंड दिया गया है। तो
मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कलेक्टर ऑफिस की जन सुनवाइयाँ होती हैं उसमें बड़े से बड़े काम हो जाते हैं और ऐसी ऐसी मदद हो जाती है जो आपको सीएम भी नहीं दे पाता है, लेकिन एक जिले का कलेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी मदद होती है, वहाँ पर सुनवाई होती है। तो बिल्कुल अगर आपको कभी भी इस तरह की कोई समस्या आती तो बिल्कुल आप एक बार कलेक्टर जन सुनवाई में आवेदन करके देखिए, वहाँ से बकायदा आपको रसीद भी मिलेगी, आपका काम भी होगा और बहुत अच्छे से काम होता है। देखिए मैं बाकी ज़िलों की तो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं यहाँ पर इंदौर के कलेक्टर ऑफिस की जन सुनवाई में अपने भी खुद बहुत सारे समस्या लेकर के गया हूँ, लगभग 90% वहाँ से समाधान हुआ और मैंने जिन लोगों को पूछाया उनका भी काम वहाँ से हुआ। तो हमारे इंदौर शहर का कलेक्टर ऑफिस की जो जन सुनवाइयाँ हैं वो बहुत ही एक्टिव है। देखिए कलेक्टर तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैंने मतलब पिछले 3 साल से मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ, बहुत लोगों के साथ मैं वहाँ पर जाता हूँ, बहुत लोगों वहाँ पर भेजता हूँ, उनके फीडबैक मुझे हमेशा बहुत अच्छे आते हैं कि कलेक्टर ऑफिस की जन सुनवाई से भी इतने अच्छे तरीके से समाधान हो सकता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो अगर इस तरह से मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो एक बार आप जन सुनवाई में उसके लिए आवेदन जरूर करें और आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से समाधान मिलेगा। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ पूछताछ भी करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं या मेरे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, जितना मुझे पता है मैं आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो एक बार इस तरह की कलेक्टर ऑफिस की सेवा को भी आप लेकर के देखिए, जो कि मैं बोलूँगा कि सीएम से ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मतलब यहाँ से काम होता है। तो एक बार आप यूज़ ज़रूर कीजिए इसको, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोक कल्याण के लिए, उपभोक्ता जागृति के लिए और सरकारी विभागों से होने वाली समस्याओं के जागरूकता के लिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।